मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी सभ्यता, संस्कृति और भाषाएं पूरे विश्व को विविधता में एकता का संदेश देती है। 130 करोड़ भारतीयों का यह वो देश है जहां कहा जाता था कि कोस कोस पर पानी बदले और चार कोस पर वाणी। हमारी भारत भूमि पर सैकड़ों भाषाएं सदियों से पुष्पित पल्लवित होती रही है। हालांकि हमें इस बात की भी चिंता होती है कि कई भाषाएं और बोलियां खत्म तो नहीं हो जाएगी। पिछले दिनों मुझे उत्तराखंड के धारचूला की कहानी पढ़ने को मिली, मुझे काफी संतोष मिला। इस कहानी से पता चलता है कि किस प्रकार लोग अपनी भाषाओं उसे बढ़ावा देने के लिए आगे आ रहे हैं, कुछ इनोवेटिव कर रहे हैं। और धारचूला की खबर मैंने, मेरा ध्यान भी इसलिए गया कि किसी समय मैं धारचूला में आते जाते रुका करता था, उस पार नेपाल, इस पार काली गंगा, तो स्वाभाविक धारचूला सुनते ही इस खबर पर मेरा ध्यान गया। पिथौरागढ़ के धारचूला में रंग समुदाय के काफी लोग रहते हैं। इनकी आपसी बोलचाल की भाषा रंगलो है। ये लोग इस बात को सोचकर अत्यंत दुखी हो जाते थे कि इनकी भाषा बोलने वाले लगातार कम होते जा रहे हैं। फिर क्या था, एक दिन इन सब ने अपनी भाषा को बचाने का संकल्प ले लिया। देखते ही देखते इस मिशन में रंग समुदाय के लोग जुटते चले गए। आप हैरान हो जाएंगे, इस समुदाय के लोगों की संख्या गिनती भर की है। मोटा मोटा अंदाज कर सकते हैं, शायद 10,000 हो। लेकिन रंग भाषा को बचाने के लिए हर कोई जुट गया, चाहे 84 साल के बुजुर्ग दीवान सिंह हो या 22 वर्ष की युवा वैशाली गर्ब्याल, प्रोफेसर हो या व्यापारी, हर कोई हर संभव कोशिश में लग गया। इस मिशन में सोशल मीडिया का भी भरपूर उपयोग किया गया, कई व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, सैकड़ों लोगों को उस पर भी जोड़ा गया। इस भाषा की कोई लिपि नहीं है, सिर्फ बोलचाल में ही एक प्रकार से इसका चलन है। ऐसे में लोग कहानियां, कविताएं और गाने पोस्ट करने लगे, एक दूसरे की भाषा ठीक करने लगे। एक प्रकार से व्हाट्सएप ही क्लासरूम बन गया, जहां हर कोई शिक्षक भी है और विद्यार्थी भी है। रंगलो भाषा को संरक्षित करने का इस प्रयास में तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, पत्रिका निकाली जा रही है और इसमें सामाजिक संस्थाओं की भी मदद मिल रही है। साथियों, खास बात यह भी है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2019 यानी इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस घोषित किया है, यानी उन भाषाओं को संरक्षित करने पर जोर दिया जा रहा है जो विलुप्त होने के कगार पर है। 150 साल पहले आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिचंद्र जी ने भी कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल। अर्थात मातृभाषा के ज्ञान के बिना उन्नति संभव नहीं है। ऐसे में रंग समुदाय की ये पहल पूरी दुनिया को एक राह दिखाने वाली है। यदि आप भी इस कहानी से प्रेरित हुए हैं तो आज से ही अपनी मातृभाषा या बोली का खुद उपयोग करें, परिवार को, समाज को प्रेरित करें। 19वीं शताब्दी के आखिरी काल में महाकवि सुब्रमण्य भारती जी ने कहा था और तमिल में कहा था, वो भी हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरक है। सुब्रमण्य भारती जी ने तमिल भाषा में कहा था, मुप्पदु कोड़ी मुगमुड्डैयाळ उयिर मोइंबूर ओंडुडैयाळ इवल सेप्पू मोली पगिनेटू डैयाळ एनिर सिंदैनी ओंडेळ याळ। उस समय ये 19वीं शताब्दी के आखिरी उत्तराधर की बात है और उन्होंने कहा, भारत माता के 30 करोड़ चेहरे हैं लेकिन शरीर एक है। यह 18 भाषाएं बोलती हैं लेकिन सोच एक है।